हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नोर स्टडी। सो गाइस, आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस वीडियो में इग्नू के द्वारा दिए गए अपडेट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। सो सभी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट बिना स्किप किए हुए जरूर देख लीजिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं हो। फाइन, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, और आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के थ्रू फॉलो कर सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, सो गाइस, हर एक टॉपिक पर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा कमेंट्स आ रहा है कि फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को प्रमोशन मिलना चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स का सेशन जनवरी 2021 है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जनवरी 2021 में अपना एडमिशन लिया था और उनका एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 में होना था, जिसे पोस्टपोन्ड कराया गया और फाइनली अभी 4 मार्च से एग्जामिनेशन स्टार्ट है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का सेशन जनवरी 2021 है, उन्होंने जनवरी 2021 में अपना फ्रेश एडमिशन लिया और वो अभी फर्स्ट ईयर में है, देन वो स्टूडेंट्स प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं इस पे, जनवरी 2021 सेशन वाले स्टूडेंट्स जो कि फर्स्ट ईयर में है, अभी उनका प्रमोशन होगा या नहीं, राइट? तो गाइज, ये नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था, इसी में आपको क्लियरली बता दिया गया था कि आपका जो टर्म एंड एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 का एग्जामिनेशन है, वो 4 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ऑल द प्रोग्राम्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, मीन्स सभी प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ से आप क्लियर हो जाओगे कि यहाँ पर प्रमोशन मिलने नहीं जा रहा है, प्रमोशन पे कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर बोल दिया गया है कि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहा है फॉर ऑल द प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी, सभी प्रोग्राम के लिए, मीन्स यहाँ पर प्रमोशन के चांसेस नहीं है। तो ये बैड न्यूज है, बिकॉज थोड़ा उम्मीद था कि जो भी स्टूडेंट जनवरी 2021 में अपना फ्रेश एडमिशन लिए, उनका प्रमोशन मिले, बट यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, राइट? और गाइस, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट है कि किस सेशन वाले स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होगा। तो गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं कि बैकलॉग पेपर और जितने भी स्टूडेंट्स ने दिसंबर 2021 सेशन के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया होगा, देन सभी स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होगा, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर या फिर ईयर के हो, राइट? और मोड की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऑफलाइन मोड में ही एग्जामिनेशन को कहा गया है, तो ऑफलाइन मोड में ही आपका एग्जामिनेशन होगा। सो आप लोग अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, एंड अदर आरसी की तरफ से भी डिफरेंट अपडेट दिया गया है, जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जाना जरूरी है, तो सभी आरसी के अपडेट को भी आप जरूर जानिए। सो रांची रीजनल सेंटर की तरफ से आपको बताया गया है कि आपका वैभव वॉयस है किन स्टूडेंट्स के लिए है, कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपका ऑनलाइन प्रोजेक्ट का वैभव वॉयस है, बीसीए या फिर एमसीए और एमएईडीयू, जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है उन सभी का होने वाला है दिसंबर 2021 टर्म एंड प्रैक्टिकल है ये, राइट? जिसका शेड्यूल आपको यहाँ पर दिया गया है, आपका ये प्रोजेक्ट का वैभव ऑनलाइन मोड में होगा। कोर्स कोड यहाँ पर दिया गया है, जो भी बीसीए के स्टूडेंट्स है और उनका ये कोर्स कोड है BCSP064, और एमसीए के लिए यहाँ पर MCS044 और MAEDU के लिए MESP01, जिनका कोर्स कोड है, सभी के लिए यहाँ पर ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए वैभव वॉयस का शेड्यूल दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना शेड्यूल चेक कर लेंगे, ये रहा आपका शेड्यूल, राइट? तो जितने भी स्टूडेंट रांची रीजनल सेंटर के हैं और उनका प्रोग्राम BCA या फिर MCA या फिर MAEDU है और उन सभी का ये सब कोर्स कोड है, देन सभी का शेड्यूल आप जरूर नोट डाउन कर ले, बिकॉज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, और नेक्स्ट अपडेट है आपके बेंगलोर रीजनल सेंटर से, जहाँ पे आपको बताया गया है कि जिन भी स्टूडेंट्स का प्रोग्राम BLIS है या फिर MLIS है, देन उन सभी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है जुलाई 2021 सेशन के लिए, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। आपका ये काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है 13 फरवरी मींस कल से, राइट? टाइमिंग आपको बता दिया गया है, सब आपको यहां पर बताया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट्स का ये प्रोग्राम होगा, सभी स्टूडेंट्स आप अपने इस शेड्यूल को जरूर नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, टोटल 3 पेज का ये पीडीएफ है, जो कि आप यहां पर देख पाएंगे। यहां पर लास्ट शेड्यूल दिया गया है 24 अप्रैल 2022 तक का, राइट? तो जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, और नेक्स्ट अपडेट भी आपका बेंगलोर रीजनल सेंटर की तरफ से ही है, जहां पर आपका काउंसलिंग शेड्यूल 2021 जुलाई सेशन के लिए रखा गया है, जो कि LSC1320 कोड है जिनका, उनके तरफ से रखा गया है, जिसका शेड्यूल आपको यहां पर मिल जाएगा, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, शेड्यूल रहा आपका ये, ठीक है? किस प्रोग्राम के लिए है, तो प्रोग्राम का नाम यहां पर मेंशन किया गया है, PGDRD और MARD के लिए, राइट? तो सभी का शेड्यूल दिया गया है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फाइन, और नेक्स्ट अपडेट आपका अहमदाबाद रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया है, जहां पे आपको बताया गया है कि आपका ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है DDH प्रोग्राम के लिए, जो कि आपके स्टडी सेंटर 09145 की तरफ से कंडक्ट करवाया जा रहा है, जो कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। पूरे फरवरी मंथ के लिए भी यहां पर शेड्यूल दिया गया है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं, राइट? मार्च और अप्रैल मंथ के लिए भी दिया गया, जो कि आपको यहां पर दिख पा रहा होगा। लास्ट अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल आपका 2 जुलाई 2022 तक का दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, जिन भी स्टूडेंट्स का ये प्रोग्राम होगा। फाइन, और नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल है PGD
FSQM प्रोग्राम के लिए जो कि आपके स्टडी सेंटर की तरफ से करवाया जा रहा है राइट। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी स्टूडेंट जरूर चेक कर लीजिएगा अहमदाबाद रीजनल सेंटर के स्टूडेंट्स राइट। और नेक्स्ट अपडेट मैं आपको बता दूं कि आपका री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2022 सेशन के लिए जो हो रहा है उसका लास्ट डेट एक्सटेंड कर दिया गया है 21 फरवरी 2022 तक। अब आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो लेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी आप अपना री रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और साथ ही साथ आपको बताया गया है कि आप अपना जनवरी 2022 साइकिल के लिए विदाउट लेट फी अब 21 फरवरी 2022 तक एडमिशन ले सकते हैं सभी प्रोग्राम में। लास्ट डेट को एक्सटेंड फिर से कर दिया गया है, तो जितने भी स्टूडेंट लेना चाह रहे हैं एडमिशन जल्दी से जल्दी ले ले रहे। और नेक्स्ट अपडेट आपका ग्रेड कार्ड का है, आपका 11 फरवरी 2022 लास्ट तक आपका ग्रेड कार्ड अपडेट किया गया है। तो 11 फरवरी लास्ट अपडेट है आपके ग्रेड कार्ड का। सभी स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट अपडेट किया गया होगा, सभी स्टूडेंट आप अपना ग्रेड कार्ड को जरूर चेक कर लेंगे फाइन। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा राइट। सो गाइस यही सब था आज का आपका नोटिफिकेशन जो कि आपके डिफरेंट रीजनल सेंटर की तरफ से अपडेट किया गया था। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखता है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दे, वीडियो को सभी स्टूडेंट के साथ शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके तो थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।